हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनीता मोहित विस व्लॉग अगेन। एंड आज के इस व्लॉग में मैं आपको खटाई बनाना दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है। और ये बनता है माल्टे से, और यहाँ पे काफ़ी सारे माल्टे के पेड़ हैं, और हमारे भी काफ़ी माल्टे पक चुके थे, तो हमने काफ़ी माल्टे निकाल दिए हैं। और अब सोच हर दिन कभी ना कभी हम खटाई बनाते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक व्लॉग शूट किया जाए, जिसमें हम करेंगे घर का नमक जो बनाया जाता है स्पेशली। कभी कभी रोटी के साथ खा लेते हैं या कभी ऐसे ही, तो उसका टेस्ट तो अलग ही लेवल का होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों, ये है हमारी प्यारी सी बिंदी, जो थोड़ी शैतान और थोड़ी नटखट है, काफ़ी उछल कूद करती है। और यही अंदर इसकी मम्मी भी है, इसको अंदर बांधा हुआ है, और थोड़ी देर में हम उसे बाहर निकालेंगे। तो ये है हमारी छन्नी, जिसको गढ़वाली में तो छन्नी कहते हैं उत्तराखंडी भाषा में, और हिंदी में गौशाला। ये रहा हमारा माल्टे का पेड़, जिससे माल्टा निकलने वाला है। तो मैंने निकाला इस पेड़ से एक माल्टा, और हमने इससे पहले भी सारे माल्टे निकाल लिए हैं, और इसमें नई नई कोपले आने वाली है, आने लग गई है कुछ कुछ जगह पे, और कुछ कुछ जगह पे आएंगी, और जल्द ही ये पेड़ फिर से फलों से लग जाएगा। और अब हम बनाएंगे इसकी कचमोली। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे ये माल्टे छीलते हुए, मैंने पकड़ा है मंकू को, मंकू और यहाँ पे पहली गेंद में इन्होंने एक माल्टा छील लिया। खिलाड़ी पूरे मैदान को चीरते हुए माल्टा, और ये अंपायर बहुत शैतान अंपायर है ये। और स्टेडियम में खिलाड़ी अपनी टांगे चाटते हुए, मंकू को भूख लग गई। फाइनली इसको छील लिया है, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चीनी, और इसमें थोड़ा सा घर का बना हुआ नमक, जिसको बनाया है, बोल रहे ये नमक बनाया है। और क्या है? लहसुन के पत्ते, धनिया के पत्ते, चूर और लून, मिर्च, इन सब से मसाले बने हुए हैं। नमक बनाए, घरिया नमक। नमक मतलब लून, पिसी हुई लून बोल जाइए। इतना टेस्ट करो, कैसा है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, पर हाथ जोड़ के देखो, अच्छा दोबारा मत बनाना। घरिया नमक बहुत अच्छा हो रहा है।
तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं हम एंड, और होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करने ना भूलें। धन्यवाद।